राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 74वें स्थापना दिवस पर रविवार को प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। भिलाई में भी इसी अवसर पर एनसीसी के साथ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक एमएम गार्डर ने समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। एनसीसी कैडेट्स द्वारा इस अवसर पर आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी गई। मार्च पास्ट के पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा, एनसीसी की स्थापना के मकसद को मूर्त रूप देने भिलाई इस्पात संयंत्र सफल रहा है। आज एनसीसी के 74वीं स्थापना दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही पुनीत अवसर है, क्योंकि 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जिस सोच के साथ ये स्थापना की गई थी, आज हम वहाँ काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, त्याग, समर्पण आदि की भावना बच्चों में भरना और उनको एकात्मता के सूत्र में पिरोना, इसका उद्देश्य है। इसमें काफी हद तक हम सफल हुए हैं। मुख्य अतिथि द्वारा इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर बीएसपी के शिक्षा अधिकारी शिखा दुबे भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।